नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं लवली वधवा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज की हमारी इस खास पेशकश में जयपुर चातुर्मास के दौरान हुए धार्मिक अनुष्ठान पर आज हम बात करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान भी ऐसा जो कि पूरी तरह संस्कृत में आयोजित किया गया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन जयपुर चातुर्मास के दौरान किया गया। चलिए आपको सीधे लिए चलता हूँ भट्टाकर जी की नसिया, जहाँ पर इस आयोजन को आयोजित किया गया। किया गया है वो बड़ा ही सुंदर है, देखने लायक है और दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। और 8 दिन का तो एंजॉयमेंट बहुत पक्का था, मतलब 18-17 तारीख से लेकर आज तक ऐसा था कि आदमी थकता भी नहीं था और बड़ा आनंद आया। व्यवस्था बड़ी अच्छी है और यहाँ पे व्यवस्था के नाम पर तो कुछ भी मतलब दिक्कत ही नहीं है। ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई कोई किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें रुचि सबसे ज़्यादा हुई है सबों की कि संस्कृत में पहली बार हुआ है ये। हरदम हिंदी में होता था लेकिन अब की बार पहली बार संस्कृत में है, तो इसलिए लोग इतने ज़्यादा उत्साह होके बैठे हैं सारे। मतलब जितने भी आयोजन हुए उसमें इतनी पब्लिक बैठी है और सबको बड़ा आनंद आया है। इसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया इस जगह। संस्कृत में जब भी कोई श्लोक बोला जाता है तो वो श्लोक नहीं होता है, मंत्र होता है, जबकि हिंदी में उसका भावार्थ होता है। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान हो संस्कृत में उसका अपना एक महत्व होता है, इसीलिए सारे अनुष्ठान संस्कृत में किए जाते हैं। आज तक मैंने जितने सिद्ध चक्र विधान देखे हैं वो मैंने कहीं भी संस्कृत में नहीं देखा। ये एक इतिहास है जयपुर के लिए, जो प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर संस्कृत में जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है सभी लोगों के लिए एक अलग ही अनुभूति है। मन में शांति मिलती है जो इस अनुष्ठान में बैठते हैं, उनके लिए परम सौभाग्य की बात है कि वे उस अनुष्ठान में बैठे हैं और उनके लिए मन में शांति का अनुभव करते हैं। इससे कर्मों की निर्जरा होती है, हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है और सुबह 5 बजे से लोगों का जीवन चलन का अपना जो सिस्टम बदलता जा रहा है उस पुराने सिस्टम पे वापस लोग आते हैं। सुबह जल्दी उठना, देव पूजा, देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना करना, ये लोग पूरा भूलते जा रहे हैं। ये इन्होंने वापस आकर के याद दिलाना शुरू किया कि जैन धर्म से अपने को बहुत कुछ प्राप्त होता है और हमारी कमियाँ दूर होती है और हमें जैन देवशास्त्र गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन में इसको हमेशा स्वीकार करते रहना चाहिए और इसकी नमन करते रहना चाहिए। बहुत बहुत ही सुखद अनुभूति मिलती है और ये गुरुवर का आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। और आचार्य विद्यासागर जी तो अपने आप में मतलब भारतवर्ष के एक धर्म जैन धर्म गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ ही है, तो उन्हीं के ये सुयोग्य शिष्य हैं और गुरुदेव की असीम कृपा है। उस वजह से जयपुर में ये जिस तरह का अनुष्ठान आयोजन आप देख रहे हैं पिछले 4 महीने से लगातार चल रहा है, चातुर्मास जो जिसे कहते हैं, जिसमें जैन संत कोई भी विहार वगैरह नहीं करते। तप द्वारा ही संभव होता है क्योंकि अष्टानिका चल रही है अभी 8 दिन का। जितना तप करते हैं साधु के संग में, जहाँ साधु होते हैं वहाँ अष्टानिका पर्व मनाया जा रहा है नंदीश्वर दीप का, तो इसलिए सिद्ध चक्र विधान मंडल की पूजा हो रही है। तो सब अपने अपने तप के अपनी शक्ति अनुसार इसीलिए बैठ पाते हैं क्योंकि उनमें तप की वो है भावना। अपने आप ही शक्ति मिलती है, ऊर्जा अपने आप ही मिलती है। बहुत अच्छा विधान है, मैं कहूँ अगर जो नहीं बैठ पाए उनका देखो भाग्य सही नहीं था, जो बैठे बहुत अच्छा। प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत अच्छा विधान हुआ है, पहली बार इतना बढ़िया विधान हुआ सिद्ध चक्र विधान। हमेशा बहुत विधान होते आए हैं यहाँ पे मगर अब की बार बहुत अच्छा हुआ है। जयपुर के चतुर्मास की एक तो बहुत बड़ी घटना ये हुई कि जो सल्लेखना और संथारा के ऊपर जो चर्चा चली थी और उसका मुख्य केंद्र जो है ये जयपुर बना, जिसने कि पूरे भारतवर्ष को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वेलित कर दिया इस जैन समाज को, जिससे कि जैन धर्म के आधार पर हाईकोर्ट के निर्णय के लिए रिट याचिका जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो स्वीकार कर ली गई। ये सबसे बड़ी हमारी जीत रही यहाँ की। और इसके अलावा जो अभी वर्तमान में सिद्ध चक्र विधान मंडल चल रहा है वो संस्कृत में राजस्थान में पहली बार हो रहा है और जो भी उपस्थिति यहाँ पर हो रही है वो उम्मीद से बहुत बेहतर है।
प्रभाव महाराज जी का है। महाराज जी सब जगह होते हैं, लेकिन महाराज जी की सबसे बड़ी बात जो मैंने अब तक देखी मेरी लाइफ में, वो महाराज जी की कथनी करने में बिल्कुल अंतर नहीं है। जो महाराज जी करते हैं, जो चाहते हैं पब्लिक से, पहले वो अपने ऊपर उसका असर दिखाते हैं, उसके बाद ही सब कुछ दिखता है। तो पब्लिक अल्टीमेटली उनसे जुड़ती ही चली जाती है, और अभी तक इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है कि आज तो ये मानो जगह ही नहीं बच रही यहाँ पे लोगों को। मैं यही कह सकता हूँ कि जिसको देखो वो गुरुवर की मृदुवाणी का दास हुआ, और जयपुर में परसों में ऐसा चतुर्मास हुआ। ये जयपुर में जो चतुर्मास हुआ ये अनुपम चतुर्मास है, और जैसा आपने देखा था कि उपसर्ग वगैरह भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये चतुर्मास में जो है गुरु का जो आशीर्वाद मिला, गुरु का जो सानिध्य मिला, ये अनुपम है। जो इस वक्त जो उदाहरण विधान हो रहा है सिद्धि चक्र महावर्ण लर्न, ऐसा शायद जयपुर में इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। संस्कृत में ये विधान है, अपने आप में एक गुरु के श्रीमुख से ये विधान हुआ है, और इतने लोग जो बैठे हुए हैं इतने भक्तिभाव से, आपने देखा कि शानदार तरीके से लोगों ने पूरे एक व्यवस्थित तरीके से जो पूरा विधान हुआ है, अपने आप में धर्म के अनुष्ठान है ये, अपने आप धर्म की जो प्रभावना है ये बढ़ाता है। प्लस साथ में जो जितने भी आपके जो चैनल्स हैं जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये अपने आप में जैन धर्म की प्रभावना है, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हमारी इस खास पेशकश की ओर।